अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। आज है संडे और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया हुआ है, तो अभी मैं करने लगी हूँ फटाफट जल्दी जल्दी से वैक्यूम। आज है मेरे घर दावत, खाना शाना मैंने दो हंडियाँ रख दी हैं, इधर से वैक्यूम करके मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो जितना पॉसिबल हुआ मैं उतना व्लॉग करूँगी। बेटे छोड़ो, चले मैं ये करके दिखाती हूँ। देखिए जी, एक तरफ मैंने ये मटन रखा हुआ और साथ मैंने रखी हुई है हलीम, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जी। कितनी ज़बरदस्त हलीम पकी है, मैं प्रेशर पे पकाती हूँ। अभी मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी, हैंड ब्लेंड। और ये मेरा मटन, ये मेरी हलीम, ज़बरदस्त। प्रेशर में आप पकाया करें, हलीम जल्दी भी पकती है और बहुत ही मज़ेदार पकती है। ये देखिए ज़रा, मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए जी, साथ ही मैं मीठे में बना रही हूँ फालूदा, स्ट्रॉबेरी फालूदा। ये देखिए जी, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे तो ये सेमियाँ डली होती हैं फालूदे वाली, लेकिन मे भी मैं खुद बनाऊँ, मैंने पहले भी बनाई हुई है, बहुत ही अच्छी बनी थी, तो हो सकता है मैं दोबारा बना लूँ या मे भी ना भी बनाऊँ, तो लेट्स सी। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मेरी यूट्यूब चैनल पर पहले से है, तो वो देख लीजिएगा। मेरा काफ़ी कुछ तैयार हो गया है, दो एक हलीम तैयार हो गई, मटन अब ये अपनी भुनाई पे आ रहा है। सबसे पहले इसका मसाला भूनते हैं, फिर उसके बाद वो फालूदा भी मेरा तैयार होने वाला है। चलें जी, साथ साथ फटाफट काम खत्म करें। अच्छा जी, तो मटन भी मेरा तकरीबन तैयार हो गया, इसकी अच्छी सी ज़बरदस्त भुनाई हो रही है। आज मैंने इसको प्रेशर नहीं लगाया तो ये घुला नहीं है, अदरवाइज़ इधर अगर आप मटन पकाते हैं ना तो वो सारा प्रेशर में घुल जाता है बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है आज मेरा घुला नहीं है, मैंने पहले से सोचा हुआ था आज मैंने कढ़ाई में पकाना। तो बस इसको थोड़ी सी और इसकी भुनाई करके इसको मैं लगाती हूँ दम पर। उसके बाद रह गया मेरा चिकन बेक होने वाला, वो बेक करेंगे अभी, नहीं बेक करूँगी थोड़ी देर बाद। और चावल रह गए, वो पका लेते हैं अभी। चलें जी, ये तो हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, फालूदा मैंने इधर रखा है, इसका मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो तो इसको मैं करूँगी फ्रीज़र में रखूँगी। ये इसको बहुत आपने थिक नहीं करना, ये थोड़ा सा फ्रिज में जाएगा ना, जब फ्रीज़र में ठंडा हो जाएगा और इसके अंदर जाएगी वो सेवइयाँ अभी बनाएंगे, वो भी मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, स्टे ट्यून्ड। तो अभी मैं हलीम के लिए जो ऊपर प्याज फ्राई डालते हैं वो कर रही हूँ फ्राई, बहुत ज़्यादा ही मैं कर रही, बस इतने बहुत हैं, ये कर लेते हैं फ्राई और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैं, ये मैंने प्याज भी फ्राई कर लिए हैं, ये देखिए। अच्छा जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल भी पक गए हैं, बस मैं इनको दम लगाने वाली हूँ और इसके बाद थोड़ा सा घंटा रेस्ट करूँगी, फिर मैं वो बनाऊँगी फलूदे की सेवइयाँ बनाऊँगी जो खुद घर में बनाती हूँ, और उसके बाद मैं चिकन बेक करूँगी बस, और बर्तन वगैरह निकालूंगी, वो भी निकाल के अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो टेबल मैं फ़िलहाल नहीं सेट कर रही क्योंकि बच्चे जाते हैं ऊपर, तो इस वजह से टेबल नहीं मैं सेट करूँगी, बाकी फिर जो जो करती जाऊँगी अगर पॉसिबल हुआ तो दिखाती जाऊँगी। ये ले जी। अच्छा जी, तो अभी मैं फटाफट से बनाने लगी वो फलूदे की सेवइयाँ जो होती हैं। सबसे पहले आपने 1.5 कप पानी डालना है, उसके अंदर आपने डालना है 1.5 चम्मच चीनी, ये देखिए 1.5 चम्मच चीनी चली गई, ठीक है जी। इसको जरा थोड़ा सा उबाल आ लेने दे, जरा सा, बिल्कुल ज़रा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फिर हम लोग इसके अंदर 1 कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ये रहा कॉर्नफ्लोर। अच्छा जी, तो चले अभी हम कॉर्नफ्लोर डालते हैं और साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है।
ये देखिए, चले ये लम्स नहीं बने, शुक्र है। और ये देखिएगा अभी कैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा सारा। एक बार ये मैंने पहले बनाई है और ये आज मैं दूसरी बार बना रही हूँ। ओके वेट करो, अपने इसको हिलाते जाने। ये लो, ये देखिएगा कैसे अभी ये सारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपके सामने। ये देख, ये देख रहे हैं, ये देखें जी, ये देखें, ये बिल्कुल जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी ना तो आपने चूल्हा बंद कर देना। ये लें जी, ये हमारी तैयार है, ये मिक्सचर तैयार है। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑल डन, अभी आप चूल्हा बंद करें, इसको साइड पर रखें क्योंकि नीचे से चूल्हा गर्म होगा, तो इसको साइड पे कर दें, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखें जरा, ये मेरा ये बर्फ मेरी जमाई थी, लेकिन इतनी अच्छी जमी नहीं थी। अच्छा तो वो इतनी अच्छी जमी नहीं है, तो अभी मेरे जितना बनता है ना इससे मैं उतना बना लूँ फटाफट। ये देखिए आपने ये जो मिक्सचर बनाया हुआ है ना, वो आपने इसके अंदर डालना है और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा। अच्छा ये देखिए जी, ये मैंने इसके अंदर डाल लिया है और अब इसको आपने ऐसे करके ना, तो ये देखिए ऐसे ऐसे इसके अंदर ये वाटर से ना बनती जाएंगी। ये देखें जी, ये ना, पानी बस ठंडा होना चाहिए, मेरा पानी ठंडा है काफी, लेकिन बर्फ नहीं है इतनी ज्यादा अंदर। ओ, ये देखें जी, ये देखें, तो इस तरह ही मैं और बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। ये देखें मेरी इतनी ज्यादा बन गई है, ये देखें, और मेरा दिल है थोड़ी सी और बना लूँ क्योंकि अभी भी पानी बहुत ठंडा है, तो इसके अंदर बड़ी आराम से बन। अच्छा ये तो फाइनली लास्ट डिश, अब मैं ओवन में रखने लगी हूँ, बेकिंग ओवन में। मैंने अपना सारा रात को मैरिनेट किया था, ये चिकन तंदूरी चिकन है ये, तो अभी मैंने फॉइल को ऐसे करके ना, तो ये अंदर अपना चिकन डाल दिया और अब मैं इसको ओवन में रखने लगी हूँ, बेकिंग ओवन में रखने लगी हूँ। और ये अभी ये आराम से तकरीबन पौना घंटा पकता रहेगा और बाद में फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए जी मेरा कितना मज़ेदार लग रहा है चिकन, अभी मैं इसको निकाल के इसकी साइड्स चेंज करने लगी हूँ। अच्छा जी, तो मेरा चिकन हो गया है बेक, इसके आगे बहुत ज़्यादा धुआं हो गया, एक मिनट। तो इसको मैंने ओवन में ही रखा हुआ है, अभी ये इधर ही रहेगा, जब मैंने इसको निकालना होगा मैं तब इसको डिश आउट करूँगी। बाकी ये देखें, ये मैंने अपनी डालनी है सेवइयां जो बनाई थी, ये मेरा फलूदा भी ठंडा हो गया है बिल्कुल, ये भी निकाल लिया मैंने फ्रीज़र से। और ये देखें जी, मैंने ये छोटी सी ट्रे में डाल ली है प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, और ये नीचे मिंट वाली चटनी इसके अंदर क्यूब डाल दिए, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगी, फिर इसको मिक्स कर लूँगी। बाकी अभी मैं टेबल सेट करने लगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। चले जी, अभी टेबल कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ फटाफट से। अच्छा जी, तो मैंने बर्तन लगा दिए अपने, ग्लासेस भी ला कर रखती हूँ। तो मैंने तो वीडियो बना ली, ये लीजिए, ये फलूदा आ गया।